गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हम स्टडी करेंगे ओजेनेसिस या अंड जनन, मीन्स एग का बनना, कि कौन सी प्रोसेस द्वारा एग बनता है। आपको पता, मियोसिस द्वारा गैमेट्स बनते हैं। फीमेल गैमेट को हम एग बोलते हैं, ओव्यूम उसको या ओवा उसको हम कह सकते हैं। तो वो किस कैसे वो बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओजेनेसिस या अंड जनन हिंदी में। ये एक ओवरी में ओजेनेसिस की प्रोसेस होती है। ये ओवरी का एक सेक्शन हमने ले रखा है, इसमें ये ब्लड वेसल है और ये प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल्स जन्म से प्यूबर्टी तक काफी प्राइमरी फॉलिकल्स नष्ट हो जाती हैं, डिजनरेट हो जाती हैं। काफी प्राइमरी फॉलिकल्स ओवरी में खत्म हो जाती हैं। तो 40 से लेकर 60,000 तक हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल्स प्यूबर्टी तक बची रहती है और वही आगे फिर ओजेनेसिस का फॉर्मेशन उन्हीं प्राइमरी फॉलिकल्स या बाद उसके अंदर जो मेन होता है उसको हम प्राइमरी ओसाइट बोलते हैं, उसी से फिर आगे ओजेनेसिस की प्रोसेस होती है। तो प्राइमरी फॉलिकल्स जब अपने चारों ओर उसकी जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको विटेलाइन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जो हमारा ओव्यूम होगा अंदर प्राइमरी ओसाइट, उसके बाहर जो मेम्ब्रेन होगी उसको हम विटेलाइन मेम्ब्रेन भी बोलती है, वो एक लेयर और बना देती है, उसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। और फिर वो ग्राफियन फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल्स का एक फिगर है, इसमें ये एट्रियम, एक ये गुहा है, एक कैविटी है, इसको हम एट्रियम बोलते हैं। और जब ओवियम रिलीज होता है तो उस समय जो फॉलिकल है उसको हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। और उस ग्राफियन फॉलिकल के बाद जब ओव्यूम रिलीज, जिस टाइम ओव्यूम रिलीज होता रहता है, तो जो उसका रिमेनिंग पार्ट है वो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है। जो कार्पस ल्यूटियम जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में या आगे की जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस, उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है। ये हार्मोन सेक्रेशन करती है, एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। अब हम अगर ओजेनेसिस की बात करें, बहुत सारे ओगोनिया होते हैं, ओगोनियम, जिस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोगोनियम थे, यहाँ ओगोनियम थे। ये डिप्लॉइड है, ओगोनियम डिप्लॉइड है, इनमें माइटोसिस होगा। ये है प्राइमरी ओसाइट, ये भी क्या है डिप्लॉइड है, प्राइमरी ओसाइट भी क्या है डिप्लॉइड है। प्राइमरी ओसाइट में जब रिडक्शन डिविजन होगा, प्राइमरी ओसाइट में रिडक्शन डिविजन जब होगा, रिडक्शन डिवीजन इसमें जब होगा, मियोसिस मियोसिस होगा, तो उससे दो हमारे, एक हमारे पास बनेगा ये सेकेंडरी ओसाइट, एक बनेगा ये सेकेंडरी ओसाइट। और फर्स्ट पोलर बॉडी, जिस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और फिर हमारे पास चार स्पर्मेटिड बनते हैं, यहां पर थोड़ा डिफरेंस है, अंतर है थोड़ा यहाँ पे। जब मियोसिस होता है प्राइमरी ओसाइट में, तो हमारे पास एक सेकेंडरी ओसाइट और जो दूसरा सेकेंडरी ओसाइट है, ये दोनों, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड हो चुका इस, क्योंकि इसमें रिडक्शन डिविजन हो गया है, वो पोलर बॉडी बन जाती है, मीन उसका कोई यूज नहीं, तो उसको पोलर बॉडी बोलते हैं, उसका कोई यूज नहीं है। मीन्स आगे का जो डेवलपमेंट होगा ओव्यूम का, वो सेकेंडरी, दूसरे सेकेंडरी ओसाइट से होगा। फीमेल में, फीमेल का जो अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, तो 44 प्लस XX होमोजाइगोट गैमेटिक होती है फीमेल, मीन उसमें जो 23वां जो जोड़ा है वो एक जैसा है XX, मेल में XY होता है, फीमेल में XX है। तो जो हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट बनते हैं दो, वो 22 प्लस X और 22 प्लस X वाले ही होंगे, जो पोलर बॉडी में और सेकेंडरी ओसाइट में। इस ये तो यहाँ पे पोलर बॉडी बन गई, मीन इसका फर्दर डेवलपमेंट रुक गया, नहीं हो पाया, क्योंकि हमें एक ही एग चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस में तो बहुत सारे स्पर्म चाहिए होते हैं, इसमें हमें एक ही एग चाहिए, एक ओवरी में एक टाइम पे उस एग को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म आएगा, तो हमें एक ही एग की जरूरत है, तो ये बाकी पोलर बॉडीज बनती जाती है। और ये हमारे पास एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें हो चुके हैं। अब इसमें फिर डेवलप माइटोसिस होगा, तो माइटोसिस होगा तो एक बनेगी सेकेंड पोलर बॉडी और ओव्यूम इससे अलग हो जाएगा। यह हम कह सकते हैं ये जो टोटल जो
ओजेनेसिस होगा प्राइमरी ओसाइट में, तो उसमें एक ओविम बनता है, दो पोलर बॉडी अलग निकल जाती है, क्योंकि इस पोलर बॉडी का, फर्स्ट पोलर बॉडी का डिवीजन नहीं हुआ, ठीक है। और ये एन हो गया, एन हैप्लॉइड मींस इसमें 20, ह्यूमन की बात करो तो कितने हैं, 23 क्रोमोसोम हैं, एग हैप्लॉइड है। यही एग जब स्पर्म के साथ फ्यूज होगा उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, वही फिर डिप्लॉइड जायगोट का निर्माण करती है, फॉर्मेशन करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इन ओनली फर्टिलाइजेशन। तो ये ओजेनेसिस की प्रोसेस है, ओजेनेसिस में लास्ट में हमने ओवम या एग निकल चुका है, जहां जब ये ग्राफिन फॉलिकल से ओवल बाहर निकलता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन ये जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके बीच में ओवुलेशन की प्रोसेस होती है, जैसे 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो लगभग 13 से 14 दिन क्या है, ओवुलेशन होगा, मींस एक ओवरी से एग बाहर आएगा, ग्राफिन फॉलिकल टूट के एग बाहर आएगा, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण उस समय हो जाएगा। तो ये हमने जो प्रोसेस आज डिस्कस किया वो था ओजेनेसिस, मीन्स एग किस तरह से एग का फॉर्मेशन होता है, मियोसिस द्वारा होता है, और कहाँ पर होता है, मेनली ओवरी में होता है। बहुत सारे हमारे पास प्राइमरी ओसाइट हैं, उन ओसाइट से अल्टरनेट जो सीक्वेंस होता है, एक टाइम पे एक ओवरी जनरली और दूसरे टाइम पे दूसरी ओवरी जो है एग बनाती है। जब प्रेगनेंट सी हो जाती है, प्रेगनेंसी पीरियड में ये ओवुलेशन एग बनना बंद रहता है उस समय, क्योंकि हमें एग की जरूरत ही नहीं है कि ऑलरेडी जो हमारा यूट्रस है इन्वॉल्व है किसमें, वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसकी जरूरत नहीं होती एग की, तो उस टाइम एग ओवुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी रहती है। तो आज हमने स्टडी किया ओजेनेसिस, अगर और जो हैप्लॉइड एग का डेवलपमेंट डिप्लॉइड प्राइमरी ओसाइट से किस तरह से होता है ये आज हमने पढ़ा, और साथ ही साथ हमने फॉलिकल्स कि किस तरह से वो फॉलिकल का क्या रिलेशन है हमारे ओव्यूम से, जो उसके अंदर जो एग है उसका डिस्कशन किया, किस तरह उसके बाहर सेल्स हैं और किस तरह से मेम्ब्रेन है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।